महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर दिल्लीवत पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने साप्ताहिक कहानी उत्सव का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार की कहानियां प्रस्तुत की। बूढ़ी काकी, ईदगाह, गुल्ली डंडा, बड़े भाई साहब। आइए सुनते हैं बच्चों से वो कहानी। चलो बच्चों, मैं कहानी सुनाना चालू करती हूँ। एक बच्चों एक बूढ़ी काकी थी। आपने हमेशा सुना होगा कि बुढ़ापा तो बचपन का ही रूप होता है ना? पर बूढ़ी काकी के साथ ऐसा नहीं था। बेचारी बूढ़ी काकी की जेवर स्वाद के अलावा उनकी कोई और इच्छा थी ही नहीं। पर बेचारी बूढ़ी काकी वो बहुत अकेली थी, है ना? बुरी बात। वो बेचारी काकी अपने दुख बताए तो किसे ही बताए। बूढ़ी काकी के हाथ पैर आंख तो जैसे जवाब ही दे चुके हो। बेचारी बूढ़ी काकी हमेशा जमीन पे ही पड़ी रहती और अपने घर वालों की और उनके घर वाले उनकी इच्छा के हिसाब से कुछ करते ही नहीं थे, है ना? बुरी बात। अब आप लोग भी कि दादी दादा भी चाहते होंगे कि आप उनके साथ रहे, उनसे थोड़ा समय बिताए, पर बेचारी उनके हिसाब से कुछ होता ही नहीं था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनका खाने का समय भी टल जाए। बेचारी बूढ़ी काकी हमेशा अकेली रहती थी। और जब पता है जब बाजार से कुछ नए नए सामान आते थे और उनको ना मिले तो बेचारी इतना जोर जोर से रहती थी। पर उनका रोना और सिसकना कोई साधारण या आम बात नहीं थी। तो बेचारी बूढ़ी काकी बहुत चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बेचारी बूढ़ी काकी के पति को स्वर्ग गए बहुत समय हो चुका था। बेचारी काफी अकेले हो गई थी। उसके बाद उनके साथ उनका बेटा, उनके बेटे का नाम तरुण था, पर बेचारा तरुण उनके पिता के साथ ही चल बसता था। अब बूढ़ी काकी के पास कोई नहीं था सिवाय उनके पास उनके भतीजा ही बचा हुआ था। उनके भतीजा और उनके परिवार के सिवाय उनका कोई नहीं। अब बूढ़ी काकी के पास उनके भतीजे के बिना कोई था ही नहीं बच्चों। तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जायदाद जो भी उनके पास था सब अपने भतीजे के नाम कर दिया और अपना अंगूठा लगा दिया। उनका भतीजा बहुत चालाक भी था। उसने संपत्ति लेते समय तो इतने लंबे चौड़े अच्छे अच्छे वचने लिए, पर जब सब उसके नाम हो गया तब तो वो वचने तो सिर्फ शब्द ही बन के रह गए, है ना? गलत बात। उन संपत्ति के बूढ़ी काकी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बूढ़ी काकी की कहानी में लेखक प्रेमचंद वृद्धावस्था और बाल्यावस्था को एक दृष्टि से देखा है। बूढ़ी काकी, तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। बूढ़ी काकी को विधवा हुए 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था। उसके जवान बेटे भी असमय मर चुके थे। उनका इस संसार में कोई नहीं था जिसे बूढ़ी काकी अपना कह सके। केवल उसका दूर का भतीजा था बुद्धिराम। उन्होंने बूढ़ी काकी के सामने लंबे चौड़े वादे कर उनकी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। पैसा का लालच बुद्धिराम को बदलाने लगा। बुद्धिराम की पत्नी रूपा भी व्यवहार से कठोर थी, लेकिन ईश्वर का डर उसे अवश्य था, इसलिए वह बूढ़ी काकी से दुर्व्यवहार करने से डरती थी। बूढ़ी काकी की जायदाद से 100-150 रुपए प्रति माह की आमदनी थी। वह भोजन तक के लिए तरसने लगी। बूढ़ी काकी जी के स्वाद के आगे मजबूर होकर रोने चिल्लाने लगती थी। बुद्धिराम के दोनों बेटे भी उसे परेशान करते थे, लेकिन बुद्धिराम की बेटी लाडली बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी और बूढ़ी काकी के साथ देती थी। बहुत दिनों बाद बुद्धिराम के बेटे मुखराम की सगाई थी।
सभी लोग व्यस्त थे, बल्कि काकी परेशान हो गई और हलवाई की कढ़ाई के पास जाकर बैठ गई। रूपा की नजर उन पर पड़ी और भला बुरा कहा। अपमानित होकर नमस्कार, मेरा नाम अनय अग्रवाल है और मुंशी प्रेमचंद। मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का शीर्षक है बड़े भाई साहब। ये कहानी एक छोटे भाई के द्वारा सुनाई गई है अपने बड़े भाई के ऊपर। इसको श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, तो आइए इस कहानी की ओर चलते। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे उन्होंने भी उसी उम्र से पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्वपूर्ण मामलों में जल्दबाजी से काम लेना वह पसंद नहीं करते थे। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलिशान महल बन सके। एक साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद की पुख्ता ना होते तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल थी, वह 14 साल के थे। उन्होंने मेरी तुम्बदी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव के बड़े अध्ययनशील थे। आज मुझे निस्वार्थ सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। जैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन इतनी तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तहान हुआ। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की थी पर ना जाने कैसे मैं अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कंटिन्यू हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब के 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे
मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनानत पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबर से। कहाँ थे अब तक? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता है और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन होता है। न जाने मेरे मुंह से यह बात निकलती ही नहीं थी कि कुछ देर बाहर मैदान में खेलने के लिए गया था। मैं उनकी डांट सुनकर आंसू बहाने लगता था। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, डांट कौन सुने। घंटे दो घंटे के बाद मैं यह निश्चय करता था कि अब से मैं खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, इसलिए मैं झटपट एक टाइम टेबल पर अपना पूरा स्केड्यूल और टाइम टेबल बनाना और उस पर अमल करना दूसरी बात होती है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो गई। मैदान की वह हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह धाव खात मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींचते थे और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था और भाई साहब को मुझे डांटने का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता और उनकी नजरों में ना आने की कोशिश करता। हमेशा सिर पर एक तलवार सी लटकती होती। फिर भी मौत और विपत्ति के बीच आदमी मुंह और माया के बीच जकड़ा रहता। मैं फटकार और गुड़गियां खाकर भी खेल का तिरस्कार न कर पाया। वार्षिक परीक्षाएं हुई, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच अब केवल 2 साल का फर्क रह गया था। जी में आया कि मैं भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और परीक्षा में प्रथम भी आया। लेकिन वह इतने दुखी और निराश थे कि मुझे उनसे हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक डालने का विचार ही लज्जास्पद प्रतीत हुआ। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ। भाई साहब का वह रूप अब मुझ पर न रहा। आजादी से खेलकूद करने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर डांटा तो मैं भी कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते हुए दर्जे में अव्वल आ गया। पर एक हामिद की है जिसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। वह उसकी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। उसकी दादी ने बताया कि उसके अब्बू उसके लिए धन कमाने गए हैं और खिलौने लाएंगे और अम्मी अल्लाह मियां के घर से बहुत से चीजें लाएंगी। इस बात को सुनकर हामिद हमेशा खुश रहता था।